हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और बीपीएससी के तरफ से बहुत सारी परीक्षाओं के संदर्भ में जो चीज़ें आ रही है आपको बताते चले कि 69th बीपीएससी का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो पब्लिश हो गया है सिविल सेवा का। परंतु कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो लगभग एक साल बीत गए। आपको बताते चले कि पिछले साल 2 से 4 नवंबर में ऑडिटर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षाएँ हुई थी, उसका रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। उसी के अगले ही दिन 5 से 7 डबल एओ की मेंस परीक्षाएं होती, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और 8 से 9 नवंबर के बीच CDPO मेंस के परीक्षा थी, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो जो परीक्षाएं ऑडिटर असिस्टेंट का, डबल एओ का और CDPO का, ये लगातार हो रहा था। जैसे कि आपको पता है कि जब परीक्षार्थी किसी एक परीक्षा में बैठते हैं और वो पास कर जाते हैं, PT की तमाम तीनों जगहों पर परीक्षाएँ हुई और जो मेंस से परीक्षाएँ बैठने वाले परीक्षार्थी थे, इन मांगों को लेकर लगातार आवेदन के माध्यम से BPSC के पास ये आवेदन गुहार लगा रहे थे कि परीक्षाएं की तिथि जो है आगे बढ़ाई जाए। परंतु 2 से 4, 5 से 7 और 8 से 9 यानी लगातार नवंबर में परीक्षाएं हुई और जिस दिन उनका मेंस का आखिरी परीक्षा था, यानी कहने का मतलब कोई अगर ऑडिटर असिस्टेंट के मेंस परीक्षा में बैठे हैं और उन्हीं को डबल एओ के मेंस परीक्षा में बैठना है, तो जिस दिन उनका परीक्षा समाप्त होगा 4 नवंबर को, उसके अगले ही दिन 5 से 7 में डबल एओ की परीक्षा है। और अगर मान लीजिए वही अगर आदमी अगर CDPO के मेंस परीक्षा में बैठ रहा है, तो जिस दिन उसका समाप्त होगा 7 नवंबर को, उसके अगले ही दिन 8 और 9 नवंबर को CDPO के मेंस की परीक्षा है। तो आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ों पर और लगातार चेयरमैन और अभी जिस प्रकार की बहाली की बात हो रही है शिक्षा विभाग में, कभी 1,20,000, 1,70,000 से 1,20,000 पर आया। सेकेंड फेज की बहाली की बात, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसमें भी 70,000 लोगों की नियुक्ति करनी है। तो स्पष्ट है कि BPSC जो है विभाग है वो लगातार शिक्षा विभाग और शिक्षा की जो नियुक्ति है शिक्षा विभाग के, उस पर काम कर रही है। परंतु जितने भी साल भर में परीक्षाएं हुई और 68 की जो मेंस परीक्षा है, उसके भी लगभग 6 महीने ज़्यादा बीत गए हैं। तो स्पष्ट है कि जो चीज़ें BPSC की तरफ से हो रही, BPSC ने बहुत सारी परीक्षाओं का रिजल्ट निकाला भी है, परंतु हम लोग की स्पष्ट मांग है कि BPSC के असिस्टेंट ऑडिटर, EO और CDPO के मेंस परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए। कई हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार परीक्षा में वो BPSC के चेयरमैन को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं अपने आवेदन के माध्यम से। तो जो चीज़ें BPSC की तरफ से जो सामने हैं, यही है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक बहाली पर काफ़ी काम हो रहा है, निश्चित, नो डाउट इसमें। परंतु जो और अदर जो परीक्षाएं हैं, बहुत सारी परीक्षाएं जिसके लिए काफ़ी काम हो रहा था, तो अभी जो चीज़ें हैं उसमें स्पष्ट है कि BPSC की और सारी परीक्षाएं, चाहे वो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की परीक्षाएं हो, चाहे एग्रीकल्चर की परीक्षा हो, चाहे जुडिशियरी की परीक्षा हो, इस सारे परीक्षाओं पर के साथ साथ 3 प्रमुख परीक्षा जिसका रिजल्ट पब्लिश करने पर सरकार BPSC को गंभीरतापूर्वक सोच विचार करना चाहिए। वो है ऑडिटर असिस्टेंट की परीक्षा, EO के रिजल्ट और 8 से 9 तक जो नवंबर में परीक्षा है जिसका एक साल से बीत गया है, CDPO मेंस परीक्षा, इन सारे परीक्षाओं का रिजल्ट कब पब्लिश होगा। इसके लिए BPSC चेयरमैन को जल्द से जल्द ट्वीट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि रिजल्ट कब पब्लिश हो रहा है। इसके लिए लगातार हम अब आवेदन भी दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस सारी मांगों को लेकर BPSC गंभीर हो। धन्यवाद।